दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कैबिलाइज सोप के बारे में। स्कैबिलाइज सोप क्या है, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे काम करता है और साथ ही साथ जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटे वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आप मेरा वीडियो मिस ना कर सके। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई भी दवा सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं स्कैबिलाइज सोप के बारे में। दोस्तों स्कैबिलाइज सोप का इस्तेमाल स्कैबिस को ख़त्म करने और जुओं को मारने और छोटे और मामूली खरोच को ठीक करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। दोस्तों स्कैबिलाइज सोप में दो तरह के इंग्रेडिएंट है, परमेथ्रिन 1% और सेट्रीमाइड 0.5%। सबसे पहले जानते हैं परमेथ्रिन क्या है। दोस्तों परमेथ्रिन एक एंटी पैरासाइट मेडिसिन है जिसे परजीवी विरोधी दवा भी कहा जाता है। दोस्तों परमेथ्रिन कई सारे स्किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कैबिस का इलाज के लिए खुजली, स्किन में होने वाले रैशेस और खुजली को ठीक करता है और जुओं को मारने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद हम जानते हैं सेट्रीमाइड के बारे में। दोस्तों सेट्रीमाइड एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो इन्फेक्शन के ख़तरे को कम करता है। यह बैक्टीरिया को ख़त्म करके इन्फेक्शन से बचाता है। ये छोटे और मामूली चोट को जल्दी ठीक करने में बहुत मददगार होता है। अब आइए जानते हैं स्कैबिलाइज सोप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों स्कैबिलाइज सोप के कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, इसलिए आप इसे बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो स्किन में जलन या लालीपन है देखने को मिल सकती हैं, स्किन में जलन होना या स्किन लाल हो जाना। अगर ये आंखों में चले जाए तो तुरंत आंखों को धो लेना बहुत ज़रूरी होता है और इसे आंख, कान और आसपास के एरिया से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी हो लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।